हेलो गाइज, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन। विटामिन सभी एग्ज़ामों में आने वाला टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको आज एक ट्रिक की सहायता से समझेंगे जो बहुत ही आसान है। चलो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रिक क्या है? अरे बात सही है, डी के ईंट काफ़ी है। चलो आइए देखते हैं। ऐसे विटामिन ए और रे, वैसे इसका रासायनिक नाम आ जाएगा, क्या नाम होता है इसका नाम? रेटिनॉल। और इसी रे से इसकी जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, रतौंधी रोग। रतौंधी। आगे देखते हैं। अरे बात सही है, यानी कि वैसे बी, विटामिन बी, और इतने से बन जाएगा टी से थाइमीन। थाइमीन, थाइमीन। और जो विटामिन बी होता है उससे जो डिजीज होती है वो होती है बेरी बेरी, बेरी बेरी। अरे बात सही है, सेहत है सी, और ई सा आ जाएगा एस्कोर्बिक एसिड, जो इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। है ये तो कंजक्शन है जोड़ने के लिए। डी के ईंट काफी है, तो डी सा आ जाएगा डी, और के का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफिरोल, केल सी फिरोल। ई विटामिन ई, टेस आ जाएगा टोक्सी, टोक्सी फिरोल, फिरोल। कैसे? के से गाइस, इसका इतना ज़्यादा नाम पूछने को नहीं आता है तो इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। तो दोबारा देखते हैं। अरे बात सही है, ई डी के ईंट काफ़ी है, तो ए से आ जाएगा ए और रे से आ जाएगा रेटिनॉल, जो इसका रासायनिक नाम है, और यहीं से निकल जाएगा रे से रतौंधी। गाइस इसे आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे। बात सही है, डी के ईंट काफ़ी है, वैसे बी और वैसे ही बेरी बेरी, और ते से थाइमीन सही है, यानी कि से सी और ई से एस्कोर्बिक एसिड, डी के डे से डी और के से कैल्सिफिरोल, ई से ई और टे से टोक्सीफिरोल काफ़ी है। तो और आज हम एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और एक होता है वसा में घुलनशील, घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील क्या कौन कौन से होते हैं? तो जैसे यानी कि वाटर, और आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा डब्ल्यू बी सी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसको याद रखना है, जो बी और सी होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं, और वसा में घुलनशील होते हैं जो में होते हैं के ई डी ए, यानी कीड़ा, या अधिक ए डी ई के, अधिक, या तो कीड़ा कह लो या अधिक, जो ये दोनों वसा में घुलनशील होते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।